हाई फ्रेंड्स सो वेलकम बैक टू माई चैनल माई नेम इज़ विजय एंड आई होप यू कैज अ डूइंग गुड एंड अगैन थैंक्स फॉर लाइकिंग my वीडियो थैंक्स फॉर लाइकिंग my कंटेंट एंड uh, uh, आप लोगों में से जो भी लोग वीडियो देख रहे हो अगेन थैंक थैंक यू सो मच एंड आप लोगों में से अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है और जिनको थोड़ा सा भी मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल क्योंकि ये एक थोड़ा सा एडिशनल मोटिवेशन देता है टू क्रिएट कंटेंट्स लाइक दिस ठीक है चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं लेट्स आई कीप इट वेरी शॉर्ट तो uh, बहुत सारे लोगों ने मेरे को पूछा है एक्चुअली लिंकड इन पे भी और कमेंट uh, सेक्शन पे भी पे, uh, अगर कोई अपडेट है रिगार्डिंग एच वन वी वीज़ा फॉर 2023 में जो रिज़ल्ट आने वाला है राइट उसके लिए कोई अपडेट है या नहीं क्योंकि बिकॉज टूडे इज ऑलरेडी अप्रैल फिफ्थ एंड आई थिंक जहाँ तक मेरे को पता है अभी तक टी uh, ने कोई uh, अपडेट नहीं दिया अपने कैंडिडेट्स को जिन जिनका एच वन बी वीज़ा लगा हुआ था एक्चुअली तो अभी तक मतलब बेसिकली रिजल्ट आया नहीं है एंड uh, काफ़ी सारे लोग बहुत ही ईगर होते हैं एंड डेफिनेटली क्योंकि मैं भी इस फेज से जा चुका हूँ मेरा भी दो बारी लगा हुआ था एच वन बी वीज़ा बट देन हाँ लॉटरी में नहीं आया बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग राइट ये तो होना ही है इधर यू गेट सेलेक्टेड और यू डोंट गेट सेलेक्टेड तो uh, काफ़ी एंगजाइटी भरा मोमेंट होता है मेरे लिए भी पर्सनली था क्योंकि uh, कब आएगा कब आएगा वाली चीज़ें होती है बिकॉज ये ऐसी चीज़ है जो आपका uh, लाइफ चेंज कर सकता है राइट यू uh, जाना यू सेटल होना ग्रीन कार्ड लेना राइट तो इट्स 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 अ वेरी बिग थिंग किसी के लिए भी राइट विदिन ए स्पैन ऑफ फ्यू ईयर्स आपका पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा ठीक है तो अपडेट uh, ये है कि सबसे पहले फर्स्ट थिंग के uh, रिजल्ट पब्लिश हो चुका है फ्रॉम यू एस एमबेसी लॉटरी का रिज़ल्ट आ चुका है और ये हुआ ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ मार्च को और आज हो गया तकरीबन फाइव राइट ऑलमोस्ट लाइक टेन इलेवन डेज हो चुके हैं रिजल्ट आए हुए अब ये कंपनी ने टी सर्स ने अभी तक अपने कैंडिडेट्स uh, को बताया नहीं है कि रिज़ल्ट uh, क्या हुआ है right? राइट और क्योंकि मेरा जितना एक्सपीरियंस था पहले लास्ट ईयर लास्ट टू लास्ट ईयर ये अप्रैल सेकेंड थर्ड या अप्रैल फर्स्ट तक आ जाता था इस बारी पता नहीं आई डोंट नो क्या क्या डिले के डिले के पीछे क्या रीज़न है बट देन हाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये कभी भी आ सकता है तो इट्स नॉट के कोई क्योंकि रिजल्ट आ चुका है तो यू कैन गेट इट टुडे आज आज भी हो सकता है आपका कल भी हो सकता है परसों भी हो सकता है right? राइट और ये आना ही है और आएगा बहुत जल्दी आएगा तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू विश यू गाई वेरी बेस्ट ऑफ लक है ना एंड आई होप कि आप लोग सारे सेलेक्टेड हो एंड uh, और दूसरा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा रिजल्ट रिगार्डिंग दी रिजल्ट कैसे होता है राइट right? तो आपके पास एक क्लियर कट ई आएगी फ्रॉम uh, और जिसमें एकदम मोटा सा हाईलाइटर तरीके से लिखा रहेगा कि वेदर यू आर सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड ठीक है तो आप वो सब्जेक्ट लाइन देख के आपको ओपन भी करनी करनी पड़ेगी ईमेल आप सब्जेक्ट लाइन देख के समझ सकते हो कि आपका हुआ है कि नहीं हुआ है ठीक है और एक और ट्रेंड है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ ट्रेंड इन द सेंस के uh, दोनों केसेस में जब जब मैं सिलेक्टेड नहीं हुआ था राइट दोनों केसेस में मेरे कुछ फ्रेंड्स थे मेरे कुछ कलीग्स थे जो सिलेक्टेड हुए थे तो जो जो पैटर्न मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो सिलेक्टेड होते हैं ना उनका मान लो आपका रिजल्ट कल आने वाला है ठीक है अब जो सिलेक्टेड हैं उनको मेल तो थोड़ा पहले आ जाता है लगा लो आपका दो तीन दोपहर के दो तीन चार बजे मैं बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ दो तीन चार बजे तक आ जाएगा और uh, मान लो आपका किसी फ्रेंड का हो गया अब वो आपसे पूछेगा कि भाई मेरा तो हो गया तुम्हारा आया कि नहीं आया तो तुम बोलोगे यार मेरे पास तो अभी कोई ईमेल आई नहीं है देखते हैं ठीक है तो अगर तो गैप हो जाता है ना तो फिर आप ये मान लो कि आपका नहीं होना है ठीक है क्योंकि जो नॉट सेलेक्टेड होता होगा उसको एकदम मतलब अराउंड मिड या लेट इवनिंग के तरफ ई आती है और जो सेलेक्टेड मुझे लगता है आई माइट रॉन्ग लेकिन जो मुझे लगता है जितना मैंने एनालाइज किया है मुझे लगता है कि सबसे पहले सेलेक्टेड वालों को बंस पे ईमेल्स भेजते हैं और लेटर ऑन ये नॉट नॉट सेलेक्टेड वाले को भेजते हैं मतलब आई माइट बी रॉन्ग ठीक है मैं कुछ गारंटी नहीं दे रहा हूँ बट ये मेरा ऑब्जर्वेशन है ठीक है तो अगेन बेस्ट ऑफ लक गाइज एंड मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर मेरे में से अगर मेरे किसी सब्सक्राइबर का लगाओ मेरे किसी व्यूअर का लगाओ आई बी मोर देन हैप्पी And again, uh, thanks again for watching my video, and uh, I will see you in the uh, other video. Thanks again.